हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और मैं आपकी अध्यापिका और आपकी दोस्त आपका बहुत बहुत कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 10। और इस पाठ का शीर्षक है व्यास के किनारे। और इसमें क्या होगा बच्चों, चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। व्यास पंजाब की एक नदी है। अध्यात्म व शांति की खोज में एक अमेरिकन डॉक्टर जूलियन पी जॉनसन एक बार यहाँ पर आए थे। वे यहाँ की सुंदरता व शांति से बहुत प्रभावित हुए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत उनकी इस भारत यात्रा के दौरान ही लिखा गया। तो प्रस्तुत है इसका हिंदी अनुवाद। इस समय सूर्य का चमकता हुआ बिंब डेरे की इमारतों के पीछे ढल रहा है। पश्चिम का आकाश नारंगी, गहरे लाल और जामुनी रंगों से चमक उठा है और यही शोक रंग नदी में प्रतिबिंबित होते हुए हल्के रंग लग रहा है, हल्के हल्के लग रहा है। आकाश और नदी दोनों में रंग बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं। ये वो कल्पना करें, वो देख रहे हैं और कुछ इस तरह से वो उसको देख रहे हैं, कल्पना करें कि ऐसे हो रहा है, नदी का रंग ऐसे बदलता जा रहा है। ये कौन कर रहा है, ये लेखक लिख रहा है, लेखक ने बताया है। चांदी की चौथाई मील चौड़ी पट्टी जैसी ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई 3 मील तक और उत्तर में बल खाती हुई 8-10 मील तक दिखाई दे रही है। वो उनको जो नदी है वो इतनी ऐसे चमक रही है, उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चांदी चमक रही है। नदी का पानी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल चांदी की तरह चमकता हुआ। नदी का पश्चिमी किनारा जहाँ हम खड़े हैं पानी के तल से 5 से 100 फुट तक ऊंचा है। इसमें कई स्थानों पर जहाँ से वर्षा अनगिनत सदियों के दौरान मिट्टी बहाकर नदी में गिराती रही है, गहरे खड्डे हैं। यहाँ से 300 गज दूर ऐसे ही एक खड्डे के किनारे 2 साधु भजन सिमरन में बैठे हुए हैं। इस समय वे कोई भजन गा रहे हैं। डेरे के उत्तर की ओर निरंतर रहट चलने की आवाज़ आ रही है। जब बच्चों जब वो बैलगाड़ी या कुछ चलता है ना तो उसको कहते हैं रहट चल रही, रहट की आवाज़ आ रही है। रहट के बैल धीरे धीरे एक ही गति से चलते आ रहे हैं और 60 फुट गहरे कुएं में से जल निकल रहा है। तो बच्चों ये जो है ये कौन लिख रहा है, ये कौन देख रहा है, ये जो लेखक है वो देख रहे हैं और वो बता रहे हैं हमें। नदी की धारा के पार पूर्व की ओर दूर तक पीली बालू बिछी है जिस पर गहरी भूरी मिट्टी की धारियां पड़ी हुई हैं। उससे परे दूर तक फैले पीले और सिलेटी रंग के खेत शाम के गहराते सायों में धुंधले दिखाई देने लगे हैं। पूर्व में बहुत दूर वृक्षों की श्यामल पंक्ति गहरे नीले आकाश को छू रही है और उस पर नीले आकाश में लटका है पूर्णिमा का चमकता हुआ चंद्रमा। देखो कितना सुंदर दृश्य होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा जो हमें यहाँ पे इन्होंने बताया है, जिसे अब क्षितिज से ऊपर उठे आधा घंटा हो चुका है। मतलब जो चंद्रमा था वो अब ऊपर उठ गया है, आधा घंटा हो गया है। उसका रुपहला बिंब चमकती शुभ लहरियों के लंबे पथ के रूप में नदी में प्रतिबिंबित हो रहा है, वो नदी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। ये तरंगे इतनी सूक्ष्म है कि इनकी गति का पता ही नहीं चलते। तरंगे इतनी धीरे हैं, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल धीरे धीरे हैं कि इनकी गति का ही नहीं पता चल रहा कि कितनी धीरे चल रही है। नदी का बहाव बहुत धीमा है इसलिए वह इसके गहरे निशब्द जल की शीशे की तरह चमकती सतह में हल्की सी थिरकन उत्पन्न कर रहा है। जब वो ऐसे ऐसे चलती है ना ऐसे धीरे धीरे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो थिरक रही है, थिरकता हुआ लग रहा है वो बिल्कुल धीरे धीरे। नदी में पड़ रही आकाश की जामुनी छाया प्रतिबिंबित चंद्रमा की रुपहली चमक के साथ ऐसी लगती है जैसे अनुपम किनार लग गई हो।
अब बालू का अंतिम खंड भी अदृश्य हो गया है। केवल नदी, चंद्रमा और धुंधली सी दिखती जमीन बाकी है और बचे हैं, और उनका साथ दे रहा है रात का सन्नाटा। तो इसके लेखक थे, इस पाठ के लेखक थे डॉक्टर जूलियन पी जॉनसन, जिन्होंने इसका सजीव चित्रण किया, जो कि हम भी उसको इमेजिन करने लगे, हम भी उसकी कल्पना करने लगे। तो ये था हमारा आज का पाठ। और अब इस पाठ का नैतिक मूल्य है, भारत भूमि पर अतुलित सौंदर्य है और जो भी उसे निहारता है भावमग्न हो जाता है। तो ये था हमारा नैतिक मूल्य। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। शोक का अर्थ है चटकीले, भजन सिमरन भगवान का ध्यान मंत्र जाप, निशब्द का अर्थ है खामोश, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, प्रतिबिंब यानी परछाई, श्यामल का अर्थ है काली, अदृश्य यानी गायब और किनार यानी कि गोटा किनारे। और अब आ रहे हैं हम सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है वृत्तांत यात्रा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? जूलियन पी जॉनसन, पीटर शेक्सपियर है इसमें से कोई नहीं, इसके लेखक हैं जूलियन पी जॉनसन। लेखक नदी के किस किनारे पे खड़ा है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेखक खड़ा है पश्चिमी किनारे पे। नदी में आकाश की छाया का रंग है नारंगी, बैंगनी, जामुनी है इनमें से कोई नहीं, आकाश की छाया का रंग है जामुनी। भजन में बैठे हैं राजा, साधु, ब्राह्मण है इनमें से कोई नहीं, भजन में बैठे हैं साधु। और अब रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में सबसे पहले है इस समय का चमकता हुआ बिंब डेरे की इमारतों के पीछे ढल रहा है, तो इस समय यहाँ पे आ जाएगा सूर्य का चमकता हुआ बिंब डेरे की इमारतों के पीछे ढल रहा है। आकाश और, दोनों में रंग तेजी से बदलते जा रहे हैं, आकाश और नदी, नदी थी ना, दोनों का रंग बदलता जा रहा था। पूरब में बहुत दूर वृक्षों की पंक्ति नीले आकाश को छू रही है, श्यामल पंक्ति, श्यामल पंक्ति। अब बालू का भी अदृश्य हो गया है क्या? अंतिम अंतिम खंड भी अदृश्य हो गया है। तो हमने क्या किया, हमने अभी रिक्त स्थान भरे और अब इसमें है पढ़िए और समझिए, यानी कि सलेटी रंग के खेत। सलेटी रंग के खेत मतलब कि जब हल्की सी शाम हो गई थी, हल्की हल्की धुंधला आने लगा था, तो वो जो दूर तक खेत थे बच्चों, जिसमें ऊपर से आकाश की छाया भी आ रही थी धीरे धीरे, जो जब हल्की रात होने लगी थी, तो वो जो खेत थे वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हल्के हल्के स्लेटी रंग के हो गए, क्योंकि उनका ऊपर से शेड आ रहा था और हल्की हल्की शाम शुरू हो गई थी, अंधेरा आ रहा था, तो वो खेत जो थे ऐसा लग रहा था कि वो खेत जो है वो स्लेटी रंग के हो रहे हैं। वृक्षों की श्यामल पंक्ति, और यही चीज़ जो वृक्ष थे लंबे दूर तक, जो लंबे लंबे वृक्ष थे, वो भी जब शाम धुंधलाने लगी, अंधेरा छाने लगा, तो वो जो थी ऐसा लग रहा था कि लाइन से बने हुए जो श्यामल पंक्ति है वृक्षों की, वो एक श्यामल एक पंक्ति में है, वो एक लाइन में है, तो वो वृक्ष भी श्यामल रंग के लग रहे थे, वो हरे रंग के अब नहीं लग रहे थे क्योंकि हल्का अंधेरा हो रहा था। जल की शीशे की तरह चमकती सतह, जब ऊपर से चंद्रमा की जब रोशनी आ रही थी, तो वो जल था वो बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा था, उसकी जो सतह थी वो जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पानी जो है वो शीशे की तरह चमक रहा था। तो हमने इनके लेखक के सूक्ष्म सौंदर्य बोध की थोड़ी सी हमने ये आपको झलक दी। और इसके साथ है प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आपसे मैं कहूँगी कि इस पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये पाठ बहुत ही अच्छा है और फिर आपको इसके उत्तर बहुत आसान लगेंगे, जिसे आप स्वयं करेंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।